हेलो फ्रेंड, रात हो गई है, ट्यूसडे है आज, और मैं सुबह से कोई वीडियो नहीं बना पाई हूँ। तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई ना कोई आते जा रहा था, तो रात हो गई, खाना पीना खा के सोना है बस। मैंने सोचा आज अभी से वीडियो बना दूँ, मतलब आज से कल तक इसे कंटिन्यू रखूँगी मैं, ट्यूसडे और वेडनेसडे तक, डे तक का। तो अभी मैं कपड़े डाल रही हूँ सब जल्दी जल्दी करके, शाम में जो नहाते हैं सब लोग, तो चलिए डाल देते हैं कपड़े, उसके बाद बात करती हूँ आपसे। तो डिनर वगैरह हो गया है, तब तक के लिए सुबह मिलते हैं। गुड नाइट, बाय, टेक केयर, बाय। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, कैसे हो आप लोग। और आज मैं बना रही हूँ आलू का पराठा, जो है मुझे बहुत यमी टेस्टी लगता है। मैं फटाफट से बना लूँगी। आलू का जो स्टफ जो मैंने पहले से तैयार कर रखा था, तो आज है वेडनेसडे, मॉर्निंग है, और नाश्ता वगैरह सबका मैं बना रही हूँ फटाफट से। स्कूल जाना है, ड्यूटी जाना है सबको, तो मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। अंकित को मैंने आलू का पराठा नहीं दिया, पूरी दिया है, तो वो अपना ले गया पूरी और भुजिया। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। तो मैं जल्दी से आलू का पराठा और बना लूँगी, चाय बनाऊँगी इनके लिए, अभी नहीं, पहले नहा धुल के वो आ जाएंगे। तो जल्दी जल्दी बनाते हैं। मुझे आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है, ऐसे स्टफ्ड कोई भी पराठा मुझे पसंद नहीं है, लेकिन आलू का पराठा मुझे आप बासी भी दे दोगे तो मुझे अच्छी लगेगी। तो मैं फटाफट से बना ले रही हूँ, और बहुत मुलायम मुलायम रोटी, थोड़ी सी बड़ी मैं बनाती हूँ, थोड़ा सा मोटा बनाती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है आलू उसमें का। तो ये देखो लाल लाल करारा करारा कितना बढ़िया बना दिया, चार पांच पराठा बनाया मैंने आलू का। तो चलिए बना लेते हैं जल्दी से, और भी और साथ के साथ मैं सफाई भी करती जा रही हूँ, ताकि आसान हो, क्योंकि अब थोड़ी देर में फिर और झाड़ू वगैरह सब करना है, डस्टिंग क्लीनिंग और पूजा पाठ, नहाना धोना सब करना है। तो मैं अभी नाश्ता नहीं करूँगी, सिर्फ हस्बैंड को दे दूँगी, मैं बाद में पूजा वूजा करके करती हूँ। तो मैं नहाने से पहले कुछ भी नहीं खाती, चाय भी नहीं पीती, तो पहले पूजा वूजा कर लेती हूँ तभी करती हूँ सब कुछ। तो इनके लिए बनाऊँगी, और अपने लिए बना कर रख दे रही हूँ। मैं खाऊँगी इसे चटनी के साथ, चाय के साथ नहीं खाऊँगी। तो मुझे ये धनिया पत्ता की चटनी के साथ या फिर बादाम की चटनी के साथ बहुत टेस्टी लगता है, तो मैं आज बादाम की चटनी के साथ खाऊंगी। और मैं क्लीन कर दे रही हूँ सबको, और ये भुजिया मैंने बनाया था अंकित के लिए, थोड़ा सा गर्म करके रख देती हूँ, अगर इनको खाना हो तो खा लेंगे। तो निकाल लूँगी मैं ऐसे कटोरी में, और पेपर लगा दिया मैंने उस पर, क्योंकि भाप से ख़राब हो जाता है ना, इसलिए मैं टिश्यू पेपर ऊपर रख के, तब को मैं मुझे ढक्कन इसका नहीं मिल रहा था, पता नहीं कहाँ हड़बड़ में रख दिया था मैंने। तो ये नीचे मैंने रखा है, पुआ बनाया था मैंने अंकित के लिए बनाया था, सूजी का पुआ था। तो खाली कर लिया मैंने भुजिया को भी, ये सब्जी लाया था इन्होंने, बाबू है अपना दूध वूध सब। इस समय मैं नहा धुल ली हूँ, सब कुछ हो गया है, चाय वाय लेके बैठी हूँ मैं, बाबू को दूध देती हूँ, टोस्ट दूध खा रही है, नाश्ता नहीं करती है, बहुत शैतानी करती है। तो हेलो फ्रेंड्स, और वेलकम बैक अगेन इन माय चैनल ओम साई राम सौम्या। तो मैं मेरा चाय पानी सब हो गया है, आज बहुत लेट हो गया है, मैंने नाश्ता अभी तक नहीं किया, आई थिंक 11:30 बज रहे होंगे, देखती हूँ मैं, 10:30 हो रहे हैं। तो बाबू अपनी बदमाशी इनकी चालू है, और ये भी आज सुबह सुबह जाके काम भी बहुत बढ़ गया। काम कर रहे इसका स्पाइडर मैन मारेगा, ये स्पाइडर मैन नहीं है, रोबोट है। तो आज बहुत लेट हो गया, नाश्ता मैंने अभी तक नहीं किया, ये हल्ला कर रही है। मैं अभी नाश्ता करूँगी, और बाबू को खिला दिया, पुआ खिला दिया ऐसे, और ये आलू वाला आलू का पराठा मैंने सुबह सुबह बनाया। आज सुबह बहुत बहुत हड़बड़ हुआ, बहुत जल्दी 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 सब कुछ करना हो गया। तो अंकित को दिया है भुजिया पूरी और पुआ दिया है, और इसको पुआ खिला दिया बाबू को, और ये खा कर गए हैं आलू का पराठा, जो मैंने भी अपने लिए बना कर रखा है। तो मैं भी वही खाऊंगी।
तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। और सुबह का सारा काम हो गया मेरा, लेकिन ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया है। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30 आई थिंक, या सुबह का 10:30 हो रहा है और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है, क्योंकि चाय पीते पीते ही बहुत लेट हो गया था पूरा काम नाम करते करते। और मैंने चूड़ियाँ निकाल दी, सब दो दो चूड़ियाँ रखी, बहुत गर्मी हो रही थी, काम वाम करने में परेशानी होती है। बाबू का ये बदमाशी इनकी शुरू है, तो ये भी उठ गई है सुबह सुबह, काम भी पड़ गया था। तो ये है फ्रेंडशिप बैंड जो अंकित को दिया था उसके फ्रेंड ने। हाँ, फ्रेंडशिप बैंड बाबू को कोई नहीं दिया, भैया दिया, ये तो भैया दिया है। हाँ हाँ, तो वही सब हो गया है, नाश्ता वगैरह मेरा बाकी है, मैं नाश्ता करूँगी। मैंने अपना आलू का पराठा बना लिया है, बहुत तंग करती है, बहुत हल्ला करती है। चमकने वाला मुझे, अच्छा चमकने वाला, ठीक है चमकने वाला भैया खरीदेगा। तो मैं भी आलू का पराठा और चटनी बना कर रखा है अभी, वो बादाम वाला चटनी जो डोसा के साथ खाते हैं, और आलू का पराठा के साथ वो चटनी खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, ये बहुत शैतान है। तो आप बादाम वाली चटनी के साथ आलू का पराठा खाइए, बहुत टेस्टी लगता है, लगता है ऐसे डोसा, और आप तो चटनी खा रहे हो तो बहुत टेस्टी लगता है। तो आलू का पराठा और चटनी मैं खाऊंगी, अभी खा ही लेती हूँ, और बनाना है खाना मुझे। तो मैंने लंच का कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है, सब्जी ला रखा था इन्होंने, तो सबको प्लास्टिक प्लास्टिक करके मैंने रख दिया, फ्रिज में डाल दिया है। तो गिर जाओगे बेटा, इतना सारा काम को लेते हुए, बच्चों को लेते हुए सब चीज़ करना पड़ता है, मैनेज बहुत मुश्किल होता है यार अकेले करना। और ऐसे ऐसे बच्चे हो, शैतान शैतान तो कुछ कहने ही नहीं है, कहाँ गिर जाए कहाँ पड़ जाए कोई ठिकाना नहीं। और खाने का तैयारी करती हूँ, बनाती हूँ, देखती हूँ क्या बनाना है। सब्जियाँ बहुत सारी हैं तो समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ। आपके साथ ऐसा होता है ना, जब सब्जियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं समझ में कुछ नहीं आता, बनाऊँ क्या, बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, मेरे साथ ऐसे बहुत होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक दो सब्जियाँ ही आए तो बेहतर है, है ना। तो समझ में आता है चलो दो सब्जियाँ इसमें से कोई बनाना है। अब इतना सारा लेके आ गया, परवल है, भिंडी है, तोरी है, लौकी है, और क्या है, ये तीन चार चीज़ तो सामने मिली, बैंगन है पहले का, तो ये चार पांच सब्जियाँ हैं। तो इस शैतान के लिए चौक ढूंढ के रखती हूँ, बहुत बदमाश है। तो देखो किसी का दिए, ये बहुत बदमाश है, ये मेरा बेटा बहुत बदमाश है। नहीं चलिए, चौक ढूंढ के लाइए, चौक ढूंढ के लाइए। तो देखिए क्या बनाते हैं, और शेयर जरूर करूंगी बनाने का। आउच, मेरे हाथ पे चढ़ गई। तो बाय तब तक। और कल का संडे का वीडियो जो था वो बहुत बना आलू परवल की सब्जी, सोचते सोचते यही समझ में आया बस। तो आलू परवल की सब्जी बना दिया है मैंने, और चावल दाल थोड़ा सा भुजिया बचा हुआ है, और अचार पापड़ सब हो जाएगा मिला के। तो ये सब्जी है आज का लंच रूटीन है सिंपल सा। और रोटी बनाऊंगी मैं, आटा लगाऊंगी थोड़ी देर में, आटा लगा देती हूँ, तो बस यही थोड़ा सा रोटी के लिए आटा लगा दे रही हूँ। पल रहा है, पढ़ाई करो। सो गुड इवनिंग, शाम हो गई है, और खाने पीने हमेशा की तरह सब कुछ हो गया है बढ़िया से सब कुछ, और आज काम ख़त्म हो गया है, डाइनिंग टेबल बन गया है मेरा, मतलब फिनिशिंग नहीं हुई है अभी, अब बन गया है, जब पूरा फिनिश हो जाएगा, थोड़ा बहुत तो देख ही लोगे घर में जहाँ इधर उधर करते करते, लेकिन पूरी अच्छे तरह से दिखाऊंगी, पूरी तरह से अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी इसमें, फिनिशिंग हो जाएगी तब मैं दिखाऊंगी। और बहुत
स्टाइलिस्ट नहीं है, मतलब नॉर्मल है, और डिज़ाइन थोड़ा एंटीक वाला दिया हुआ है, जैसे मेरी माँ का पलंग का डिज़ाइन है, अलमीरा का डिज़ाइन है, उस तरह का नाना जी ने बनवाया था, उस तरह से मैंने डिज़ाइन डलवाया चेयर में। बाकी टेबल सिंपल है, हल्का सा कर्व लिए टेबल, रेक्टेंगल में हल्का कर्व है, तो ठीक है हम लोग के लिए अच्छा है, मेरे लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे ऐसे आदमी थोड़ी थोड़ा 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 करके आगे बढ़ता है तो अच्छा लगता है। एक बैग से कोई चीज़ नहीं बढ़ सकता है ना, तो थोड़े में ही संतुष्टि रखना चाहिए, क्योंकि वही थोड़ा 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 ज़्यादा हो जाता है ना। जब हम लोग शादी करके आते हैं, ससुराल में रह रहे तो बढ़िया है, जो तो सेटल रहता है, सारा चीज़ आपको मिला, बना बनाया सब कुछ मिलता है। लेकिन अगर आप बाहर रहते हो तो बहुत चीज़ आपको करना पड़ता है। तो मैं जब आई थी तो कुछ नहीं था यहाँ पर, एक पलंग था, एक चौकी था बस, और थोड़े बहुत बर्तन थे, और कुछ नहीं था। धीरे 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 के आज मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं, और 11वां साल लगेगा मेरी शादी को। तो उस 10 साल में मैंने बहुत सारा चीज़ घर में बनवा लिया है, मतलब मेरे लिए काफ़ी है, मुझे अच्छा लगता है। थोड़े में खुशी मुझे अच्छी लगती है, बड़ी बड़ी खुशियाँ क्षणिक लगती हैं मुझे, और जो खुशी आपको थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, और थोड़ी थोड़ी खुशियाँ जो आप बटोरते हो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसका कोई वैल्यू रहता है। अब ये जो मेरा ये जो बन रहा था डाइनिंग टेबल, ये टेबल का एक देखो छोटा सा पार्ट, तो ये जो बन रहा था उसमें जो मेरी खुशी हो रही थी कि ये बन कर कैसा होगा, तो वो खुशी मुझे और मेरे हस्बैंड के चेहरे पर दिख रहा था जब ये बन के तैयार हुआ। इसे बैठने में मतलब मैं जब ये पूरा बन गया, और यहाँ का जो चेयर होता है, जो मेन होता है यहाँ बैठने के लिए, उस वो पापा की याद दिला दी मुझे। तो पापा भी कभी इस मेन वाले चेयर पर नहीं बैठते, जिस पर मतलब होता है ना रुतबे वाला लोग बैठना वो भी साइड चेयर पे बैठते थे, मेरे हस्बैंड भी साइड चेयर पे ही बैठते हैं, मेरा बच्चा बैठता है इस पे, बेटा, तो उसे इस पे अच्छा लगता है, तो इस पे पढ़ाई भी हो जाती है उसकी, खाना पीना भी हो जाता है, सब कुछ होता है। हवा बहुत अच्छा चल रहा है, दिन भर अच्छा किया हुआ है, अभी मन कर रहा कहीं घूमने चली जाऊँ, लेकिन नहीं जा सकती हमेशा से तो आपके मन की होनी नहीं है, तो एक पत्ता है अपने मन की थोड़ी नहीं है ना, मतलब जितना मिले उतना में खुश रहा करो, तो बहुत मन खुश रहता है ना। अब मैं खुश रहती हूँ, मेरे पास एसी नहीं है, मेरे पास कार नहीं है, लेकिन मेरे पास कूलर है, मेरे पास बाइक है, मैं उसमें एसी और कार का मज़ा ले लेती हूँ, है ना। मेरा बेटा बोलता है मम्मी कार ले लो, मतलब भैया आज कार है, कल बोलोगे एरोप्लेन ले लो, नहीं ना। तो जितने में उतना खुश रहो, ज़रूरत पड़े, अगर ज़रूरत हो तब देखा जाएगा, बिना मतलब गैर जरूरत चीज़ नहीं घर में लाद के रखना चाहिए, अच्छा नहीं है, इसका यूज़ ही नहीं है कुछ, तो लेने से क्या फ़ायदा। मेरे घर में कोई यूज़ नहीं है कार का, क्योंकि हम लोग बाहर बहुत कम निकलते हैं भी है, तो बाइक पर हम लोग का आराम से हो जाता है, और अगर भीड़ भाड़ वाली जगह में जाना है, दूर जाना है, तो ऑटो ले लेते हैं, या फिर ओला है, ओला भी मैं ज़्यादा नहीं जाती हूँ, मैं ज़्यादा ऑटो ही प्रेफर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसी में। ऑटो है, ई रिक्शा है, टोटो जिसे बोलते हैं, तो यही सब मुझे अच्छा लगता है और इस पर बैठ के देखो जितना मज़ा इन सब में है ना, हवा लगता रहता है चारों तरफ से, इतना मज़ा मस्ती आता है। कार के बंद नहीं, उसमें मुझे मज़ा नहीं आता। और तो चलिए, रखिए अपना पूरा ख्याल, टिल देन टेक केयर, बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ओम साई राम सॉन्ग मैं, सो प्लीज़ डू, बाय। और थोड़े में ही खुश रहना सीखो, अच्छा लगेगा, है ना, बाय।